अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ लिया जायज़ा इजलास, किसानों की एराज़ियात को पानी सैराब किया जाए, वज़ीर आला ने दी हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हलकों के इलाकों का पैदल दौरा जारी, आवाम से मुलाकात, देरी ना मसाइल को हल करने अहदेदारों को किया मुतवज्जे। जारिया साल रच्चाकुंडा हदूद में साइबर जराइम की तादाद में इजाफा, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब। फहश और उरैया रक्स पर मुबनी पार्टी पर पुलिस का धावा, 11 अफराद जेर हिरासत, केसरा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर आबपाशी के अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेखाद अमल में लाते हुए रियासत में तामीर किए जा रहे आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द किसानों की एराज़ियात को सैराब करने के इकदाम करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए जाने वाले लिंक रोड्स के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया और कई एक हिदायतें भी जारी की। BR के भवन में मुनक्किदा मीटिंग में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल शर्मा और दीगर ने हिस्सा लिया और वाजे किया कि 313 करोड़ रुपये की लागत से 23 लिंक रोड तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दी नवनस KT रामा राव ने बशीरबाग प्रेस क्लब में सूर्य प्रकाश रेड्डी की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि प्रकाश रेड्डी के कारनामे को ना तो तेलंगाना हुकूमत फरामोश कर सकती है और ना ही तेलंगाना की आवाम। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत रियासत में कालूजी नारायण राव, प्रोफेसर जयशंकर, कोंडा लक्ष्मण बापूजी और PV नरसिम्हा राव जैसी अजीम शख्सियतों की यौम पैदाइश तकारीब का सरकारी सतह पर इनेखाद अमल में ला रही है। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तहजीब को बरकरार रखने के लिए कई एक इकदाम भी किए हैं। जयंती उत्सवाल प्रतीक आविष्करण कार्यक्रम की नन्नु आह्वानिंचि नाकु ई अदृष्टानि कल्पिंचिनंदुकु सुरवरं कुटुंब सभ्युलकु मुंदुगा हृदयपूर्वकमैन धन्यवादालु कूडा नेनु तेलियजेस्ता उन्नानु। निजानिकि सुरवरं प्रताप रेड्डी गारि गुरिंचि एप्पुडु एक्कड मात्लाडिना अंदरू मात्लाडेदि अंदरू चेप्पेदि गोल्कोंड गुरिंचि, मोट्टमोदटि प्रस्तावन तेच्चेदि मोट्टमोदटि अंदरू गुर्तु चेसुकुनेदि गोल्कोंड गुरिंचि। कानी एप्पुडैते कपिल गारू तर्वात सुरवरं कुटुंब सभ्युलु ई कार्यक्रमानि चेस्तुन्नां मीरु रावालि अनि आह्वानिंचिनप्पुडु नाकु ई गोल्कोंड काकुंडा इंका आयनलोनि मिगता पार्श्वालु मिगता कोणालु तेलुसुकुने अवकाशं नाकु कलिगिंदि। वास्तवानिकि निरंजन रेड्डी गारु वारिनि कूडा ई कार्यक्रमानिकि आह्वानिंचिनप्पुडु मे इद्दरं कलिसि मात्लाडुकुन्नप्पुडु वनपर्तिलो वारु चेसिन कार्यक्रमं गुरिंचि चेप्तू वनपर्तिलो वारु तीसुकोच्चिन संकलनानि नाकु इच्चि इदि चदवंडि, चदिवते మీకు ఆయనలో ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయో ఎన్ని రకాల అభ్యుదయ భావాలు ఉండేది, ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు ఆయన చేసినారు, ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సంఘర్షణమయం, మొదటి నుంచి అభ్యుదయ భావాలు కలిగిన ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా
జీవితంలో ఏ సంఘర్షణలకైతే లోన్ అవుతారో అన్నీ కూడా లోన్ అయినారు అని చెబుతూ చాలా విషయాలు చాలా సవివరంగా వారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు 125 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం, వారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అందుకే పెద్దలు ఎప్పుడు చెప్పేది ఎంతకాలం జీవించామన్నది కాదు, ఎలా జీవించామనేది ముఖ్యమని చెప్తారు. ఆయన స్వర్గస్థులు అయింది 57వ ఏట కావచ్చు, కానీ ఈరోజు దాదాపు 125 ఏళ్ల తర్వాత కూడా వారి గురించి ఇంత ఘనంగా శ్లాఘించుకుంటూ ఇంత గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఇంత గొప్పగా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी की 136वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाली और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने वाली सियासी जमात है और इससे महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा PV नरसिम्हा राव जैसी शख्सियतें वाबस्ता थीं. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कांग्रेस वाहिद सियासी जमात है जिसने 136 साल से जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद की है. उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस आने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और मरकज और रियासत में इख्तदार पर फायज होगी. ప్రజలను మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసి వేల లక్షల కోట్ల అవినీతి పాల్పడి రాజకీయాలను కల్మషం చేశారు. ప్రజాసేవ కోసం చేయాల్సిన రాజకీయాలను వ్యాపారాల కోసం చేస్తూ ప్రజల ఆస్తులను కార్పొరేట్లకు అంటగడుతున్నారు. సెంటిమెంట్లు రెచ్చగొట్టి ప్రజల మీద చిచ్చు పెట్టి డబ్బులు పెట్టి ఓట్లను కొని రాజకీయం పొక్కం గడుపుతున్నారు. सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो सिर्फ 50,000 मखलुआ जायदादों पर ही तखर्रात क्यों कर रहे हैं और तमाम मखलुआ जायदादों पर तखर्रात का अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी वजाहत करें. उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के नौजवानों को 1,00,000 रास्ते तौर पर और बिल रास्ते तौर पर 3,00,000 मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अंदरून 6 साल उनकी इतलात के मुताबिक 1,000 नौजवानों को भी मुलाजमतें सरकारी महकमेजात में फराहम नहीं की गई. कौमी सदर OBC BJP मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में BJP के 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे के पास धरना देते हुए फौरी तौर पर मेयर के ओहदे के इंतखाब के सिलसिले में गजट जारी करने का मुतालबा किया. डॉक्टर लक्ष्मण और CA रामचंद्र रेड्डी ने धरने से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GHMC इंतखाबात तो जल्दबाजी में करवा दिए, लेकिन अक्सरियत हासिल ना होने पर मेयर के ओहदे के इंतखाब के सिलसिले में टाल टोल की पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं जो गैर जमहूरी अमल है. ఎన్నికొచ్చే దానికి ఓటు ఆయదాన్ని వినిగించుకుంటారని చెప్పి ఓటర్ల లిస్టులో తప్పుల తడక ఓటర్ల పేర్లు గల్లంతు బీజేపీ సానుకూల పరమైనటువంటి ఓటర్లను ఆ లిస్టులో గల్లంతు చేయడము మాత్రమే కాదు, ఎన్నికల కమిషన్ తో ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాం, టిఆర్ఎస్ డబ్బుతో పోటీ పడ్డాం, టిఆర్ఎస్ ఒక మధ్యంతో పోటీ పడ్డాం, టిఆర్ఎస్ ఒక పోలీస్ యంత్రాంగంతో కూడా పోటీ పడ్డాం, చివరికి ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైన టీచర్ల మీద కూడా నమ్మకం లేకుండా, ఎందుకంటే టీచర్లు కూడా దగా చేసింది మోసం చేసింది కాబట్టి వాళ్ళని ఎన్నికల విధుల్లో పెట్టకుండా ఏ రకంగా 17 సంవత్సరాలు ఓటు హక్కు లేనివన్నీ పిల్లలతో ఎన్నికల తతంగంగా నిర్వహిస్తే అయినా ప్రజలు మొక్కవోని ధైర్యంతో ప్రజా తీర్పుకనంగా ఏదైతే ఇవాళ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగానికి లోబడి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ లో ఏకపక్షంగా 48 మంది గెలిపించడమే కాకుండా 99 మంది ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ ను ఏ రకంగా ఓడించి మరి 55కే కుదించారో అది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. కాలుకు బలం కట్టుకుని కేటీఆర్ గారు
साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद पी लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला तुगलक की तरह हुक्मरानी करते हुए मन माने फैसले कर रहे हैं, जिससे आवाम को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपये, कालेश्वरम आपपाशी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़, मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपये इजाफी खर्च करने के बाद रियासत में कई स्कीमात को रूबे अमल नहीं लाया जा रहा है और केसीआर की जानिब से अपोजिशन को खत्म करने की पॉलिसी भी उनके लिए महंगी साबित हुई। नी वच्चिन तर्वाता ई रोजुकु 7 संवत्सरालो 125,000 कोट्ल रूपायलु केवलं 2 प्राजेक्टुल मीद पेट्टावु, मुख्यंगा కాళేశ్వరము పాలమూరు రంగారెడ్డి। ఒక్క చుక్క నీరైనా ఈ 2 సంవత్సరాలు గాని ఇక ముందు గాని వాడుకునే పరిస్థితి ఉండటవా? 125,000 కోట్లు। कुलहिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार बल्दी डिवीजन के इलाके मदीना नगर, यसरब नगर और हाफिज नगर का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने अहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई कि देरीना मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। देखिए, बल्दी डिवीजन रैन बाज़ार इलाके में यसरब नगर, मदीना नगर, बी ब्लाक, हाफिज नगर, उसके अतराफ अकनाब के इलाकों का बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के जो मेंटेनेंस के मसाइल हैं उसका जायज़ा लिया गया। वो तमाम गलियों में सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग के लिए और सीसी रोड के इस्टीमेट बनाने के लिए इंजीनियर्स को पाबंद किया गया। एक दो मुकाम पे इलेक्ट्रिक पोल की शिफ्टिंग है या वहाँ पे केबल के ज़रिए क्लैंपा लगा के उसको वहाँ पे अर्थिंग नहीं आई, वैसे कामों के लिए हिदायत दी गई। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों का आगाज़ होगा, इस्टीमेट बनेंगे, टेंडर होगा, उसके बाद वर्क आर्डर मिलेगा, काम होगा। थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस इसके लिए बड़े हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम करा के लोगों को जो तकलीफ़ है उसको दूर करें। मजीद जो काम आए हैं खुदसन प्रोजेक्ट के काम हैं, कल बड़े पैमाने पर बलिया के हेड ऑफिस से प्रोजेक्ट के ऑफिसरों को बुलाया गया है, वो पूरे याकूतपुर के नालों का सर्वे करेंगे, जिसमें यहाँ मदीना नगर बी ब्लाक में भी जो नाले है या की जो दीवार उठाने की है वो दीवार का काम और लंदन ब्रिज के पास जो काम करने का, ये तमाम कामों की निशानदेही होगी। प्रोजेक्ट के इंजीनियर को पूरे याकूतपुर में दौरा करा के हर जगह जहाँ नाले है उसकी निशानदेही करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पे नालों का काम इस तरीके से करना चाहिए कि आइंदा 5-10 साल तक पानी नाले के बाहर ना निकले और पब्लिक को तकलीफ़ ना हो। सदर साहब की हिदायत पर यह खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें अल्लाह कामयाबी दे, हम बहुत अच्छे तरीके से काम करके लोगों को राहत पहुँचाएँगे। और इस दौरे में हमारे कारपोरेटर वासे साहब शरीक है पूरे दौरे में और नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा भी हमारे साथ आए हुए हैं। मेरा ये कामों में ऑफिसरों का तावन होगा, कामों की जल्द से जल्द तकमील होगी। शुक्रिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत आईपीएस ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए बताया कि जारी साल 2020 में पिछले साल की बनिस्बत साइबर क्राइम जराइम में इजाफा हुआ है, ताहम हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत मजमूई तौर पर जराइम में कमी वाक़ हुई है, ताहम ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम में 11% इजाफा हुआ है, जबकि रच्चाकुंडा पुलिस 299 प्रॉपर्टी केसेस की शिनाख्त की है। उन्होंने बताया कि जारिया साल 163 खैबागिरी के अड्डों को मोहरबंद किया गया है, जबकि इंसानी स्मगलिंग के 41 केसेस दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि प्रॉपर्टी केसेस में तकरीबन 53% रिकवरी हुई है। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मीडिया को सालाना राउंडअप के तहत तफसीलात बताईं।
యాప్తో సహా ప్రతి ఒక్కటి ఆన్లైన్లోనే. అయితే ఇది అభివృద్ధికి ఒకవైపు, రెండో వైపు చూస్తే సైబర్ క్రైమ్స్. నట్టింట్లో కాదు, ఇప్పుడు నెట్టింట్లో తొందరలు పడుతున్నారు. ఆన్లైన్ మోసాలు, ఓటీపీ చీటింగ్స్, బ్యాంకింగ్లో ఖాతాలు కొల్లగొట్టడం, ఇలా ఒకటా రెండా ఎన్నో ఎన్నెన్నో నేరాలు, దారుణాలు. మరి ఈ నేరాలను అరికట్టడం ఎలా? ప్రభుత్వాలు, పోలీసుల విధి మాత్రమే కాదు, మనందరి బాధ్యత, ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం. రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ అనుబంధంగా సైబర్ నేరాల కట్టడికి కృషి. రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రూపొందించిన సైబర్ ఆర్మీనే సైబర్ యోధ. విద్యార్థులు, యువతరులు, కెరీర్ ఏదైనా సరే, ఎవరైనా సరే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. ద మిషన్ ఆఫ్ సైబర్ యోధ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డిజిటల్ సేఫ్టీ విత్ ద ఫైవ్ మేజర్ పిల్లర్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ బింగ్ సైబర్ బులింగ్, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ క్రైమ్స్, సోషల్ మీడియా యూసేజ్, ఫేక్ న్యూస్ అండ్ డిజిటల్ డిఅడిక్షన్. ఇంటర్నెట్ ఎథిక్స్, డిజిటల్ వెల్నెస్ లో నిష్ణాతులైన అండ్ నౌ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్ నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్తో పాటు నవడేస్ జరుగుతున్న క్రైమ్ నేరాలు, వాటి బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, అలాగే సైబర్ క్రైమ్ చట్టాలపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తారు ఇక్కడ. అండ్ నౌ ఆధ్వర్యంలో రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పర్యవేక్షణలో సుశిక్షితులైన సైబర్ యోధ చేయాల్సిందల్లా సైబర్ టెక్నాలజీ, డిజిటల్ టెక్నాలజీపై అవేర్నెస్ కల్పించడమే. తమ ఇప్పుడు ఏటీఎం థెఫ్ట్ కే బారేమే జో హమారే రాచకొండమే అభి హాలిమే హమ్నే ఏక్ బహుత్ బడా గ్యాంగ్ పకడా హై, జో గ్యాంగ్ రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఔర్ హర్యానా స్టేట్ కా యే గ్యాంగ్ హై, జినోనే పాంచ్ స్టేట్ మే ఏ ఏటీఎం కే ఆఫెన్సెస్ కియే. యే లోగ్ జో హై లారీ సే యహాన్ పే ఆతే హై, జో ఐసోలేటెడ్ ఏటీఎం హై జహాన్ పే కోయి సిక్యూరిటీ నహీ హై, జహాన్ పే కెమెరా నహీ హై, జహాన్ పే పురానా ఏటీఎం హై జిస్కో అలారామ్ సే కనెక్ట్ నహీ కియా, ఐసే ఏటీఎం కో యే లోగ్ టార్గెట్ కర్ రహే. और इसी के चलते हुए उन्होंने वनस्थलीपुरम में एक केस किया था पिछले महीने, और एक केस अभी यहाँ पे अब्दुल्लापुर मेट में किया था. जो अब्दुल्लापुर मेट का केस है उसमें हमने 10 में से 6 लोगों को ऑलरेडी हमने हिरासत में लिया है, जिन्होंने 5 राज्यों में एटीएम के थेफ्ट किए. ये जो कि केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था, इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए. वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है. इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है. पिछले साल जो 35% था उसके पिछले साल वो 32% था. इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है. जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे, और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की, और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है. ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा. शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे तकरीबन 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है. 60,000 माइग्रेंट वर्कर को हमने 2 महीना तक उनका खाने का इंतजाम किया था, बाद में उनको घर भेजने का भी हमने इंतजाम किया. उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था, पीने के पानी की सुविधा हमने दी थी. उसके साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी हमने न्यूट्रिशियस डाइट का इंतजाम किया था. और ये जो अच्छा काम है वो गवर्नमेंट के भी नोटिस में गया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राचकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पर है. उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पुलिस कर्मी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इंडिविजुअली भी किया है, खासकर जो हमारी उप्पल की डीवी शिवरानी का काम इंडिविजुअली भी किया है, खासकर जो हमारी उप्पल की डीवी शिवरानी करके जो महिला कांस्टेबल है उसे अभी रिसेंटली सीसीआरबी का जो एमएचए ने 1-2 दिन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था उसमें सीसीटीएनएस डाटा एंट्री के लिए जो देश में 34 लोग चुने गए उसमें उसको भी सम्मान मिला है. उसके साथ साथ जो फ्लड आया था वो फ्लड के पीरियड में हमारे लोगों ने लोगों की जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है.
और उसमें ही हमारा जो गणेश कांस्टेबल है अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन का, जिसने अपना जान हाथ में लेके उसने जेसीबी के मदद से एक डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला था, उसका काम को हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय साहब उन्होंने भी नवाजा है, उन्होंने भी वहाँ से सर्टिफिकेट उसको भेजा है। ये पूरे साल में पब्लिक के सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम राजकोंडा पुलिस से हुआ है, खासकर महिलाओं के और बच्चों के। जो अभी अभी जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के डॉक्टर आर जी आनंद मेंबर यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन आए थे, उस समय भी उन्होंने राजकोंडा पुलिस के बच्चों के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके काम की सराहना की। हम आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो काम है महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास जनता के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। विथ यू फॉर यू, ये हमारा राजकोंडा पुलिस का लोगो है, उस लोगो से हम अपना पब्लिक के लिए अच्छा काम जरूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ग्रेजुएट्स एमएलसी हलके हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूबनगर से आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर अनवर खान को इल्मी हलकों में काफ़ी पजीराई हासिल हो रही है। इस सिलसिले के तहत ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन राजेंद्र नगर मंडल की जानिब से तहनीत पेश की गई। वाज़ह है कि मस्कुरा एसोसिएशन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुतालिका अजला में ग्रेजुएट वोटर्स का फहरिस्त में इंदराज अमल में लाया जा रहा है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ग्रेजुएट्स बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आप सबके लिए सुनहरा मौका है कि आप को ये प्रिविलेज हासिल है कि आप अपने एक उम्मीदवार को एमएलसी की हैसियत में तेलंगाना स्टेट काउंसिल में मुंतखब करके भेजें। तो इस तरह आप खुशकिस्मत हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब भी ये तारीख दी जाती है एनरोलमेंट की, एक ही बार दी जाती है, लेकिन इस मर्तबा दूसरी बार दी गई है। और पहली बार जो लोग 4,70,000 ग्रेजुएट्स अपने नाम एनरोल करवा लिए हैं, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, लेकिन आप भी पीछे नहीं हैं, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप इंशाल्लाह अभी 3 दिन बाकी है उसूली एतबार से, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 7-8 दिन मज़ीद जनवरी के भी आपको मिलेंगे। वो सारे ग्रेजुएट्स खा कन्वेंशनल हों बीए बीकॉम बीएससी या प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हों जैसे एमबीबीएस या इंडिजीनियस जितने भी मेडिसिन हैं उनसे या इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर बीबीएससी बी फार्मेसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिप्लोमास साथ ही साथ दीनी जो इदारे हैं रिलीजियस जिसको कहते हैं आप, अगर उनके मदारिस भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो उनकी डिग्री भी आलिमियत और फजीलत की जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन के इक्वलेंट है। सब के सब जो 2017 तक पास आउट हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, लड़कियां हों या लड़के हों, वो सब के सब एलिजिबल हैं अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आम तौर पर ये तनख़ीद हो रही है और अमल भी देखने को आ रहा है कि दिन ब दिन सरकारें हमारी जमहूरियत से डिविएट होते हुए डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर इस जमहूरियत को बाकी रखना है।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 205 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1533 हो गई। मजमू केसेस की तैदाद 285068 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तैदाद 277384 बताई गई है। आज सुबह 551 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6231 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 54 नए केसेस सामने आए। केसरा पुलिस ने फहश और उरैया रक्स पर मुबनी एक पार्टी पर धावा किया और 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक केसरा के इलाके तिमाई पल्ली में वाक़ एक विला में पार्टी चल रही थी और पुलिस ने छापा मारते हुए इस पार्टी से 5 लड़कियों को आज़ाद करवाया, जबकि इसमें मुलविस तकरीबन 11 अफराद को हिरासत में लेते हुए केस भी दर्ज किया गया। शंकर भाई अरे किधर लिख रहा है। बीजेपी की तलबा विंग एबीवीपी की जानिब से मासाब टैंक पर वाक़ हायर एजुकेशन के दफ्तर पर धरना मुनज़िम करते हुए मल्ला रेड्डी ग्रुप के इदारेजात के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों ने बताया कि दिल्ली के बाविखार इदारे NAAC की जानिब से मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज को कोमपल्ली को ब्लैक लिस्टिंग में दर्ज किया गया है और वह तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी मस्कुरा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके असासे मुंजमद किए जाएं। वाज़ेह है कि मस्कुरा ग्रुप मल्ला रेड्डी रियासती वजीर की मिल्कियत है। बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से रोडी शेटर के यादव के खिलाफ केस दर्ज करते हुए और मुनासिब पैरवी करते हुए अदालत से सजा दिलवाने पर जनखाओं ने ACP बंजारा हिल्स डिवीजन और पुलिस स्टेशन स्टाफ को तहनीत पेश की। जनखाओं के मुताबिक वेंकट यादव उन पर जुल्म और ज्यादती में मुलविस रहा है। जनखाओं ने रक्स करते हुए अपनी खुशी का इजहार भी किया। బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కు ట్రాన్స్జెండర్స్ వచ్చేసి పోలీసు వ్యవస్థకు న్యాయ వ్యవస్థకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు।
దీని వెనుక ఏంటంటే 2016లో ఈ కుర్మ వెంకటేశ్ అనే రౌడీ షీటరు ఒక భానుప్రకాష్ ఎవరైతే వాళ్ళు యాక్టివిటీ ఉంటే భానుప్రకాష్ అడ్డొస్తే ఆయనను చంపేశారు. దానికి మా పాత ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఏసీబీ కానీ పనిచేసిన వాళ్ళు ఒక రూల్ ప్రకారం చేసుకొని కోర్టులో ఛార్జ్షీట్ వేశారు. ఛార్జ్షీట్ వేసి దాంట్లో కోర్టు అందరిని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత అతనికి జీవిత కారాగార శిక్ష విధించినది రీసెంట్లో. దానికి కృతజ్ఞత భావంగా ఈరోజు వచ్చేసి వాళ్ళు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు, ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలంగాణ హిజ్రా ట్రాన్స్జెండర్ సమితి సెక్రటరీగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మేము బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి సార్ వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలపడానికి కారణం ఏంటి అంటే, కుర్మ వెంకట్ అనే ఒక రౌడీ షీటర్, ఒక సైకో, ట్రాన్స్జెండర్స్ని గత 4 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టి 2016లో ప్రవల్లికని చంపేసి ఒక ట్రాన్స్జెండర్ని మా పైన ఇళ్ల మీదకి వచ్చి మా పైన ఎన్నో రకాల దౌర్జన్యాలు, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ చేయటం, మా డబ్బులు, మా దగ్గర ఎంతో కాస్త ఎటువంటిది ఉన్నా మమ్మల్ని బెదిరించి చాలా రకాల ఇబ్బందులు పెట్టాడండి. హైదరాబాద్లో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్స్జెండర్స్కి కూడా ఈ కుర్మ వెంకట్ తరఫు నుంచి అండ్ గ్యాంగ్, కుర్మ వెంకట్ వెనకాల ఉన్నటువంటి గ్యాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మా ఇళ్ల మీద అటాక్ చేయడం ఇవన్నీ జరగడం వల్ల చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం మేము. అతని మీద 10 నుంచి 15 కేసులు ఉన్నాయి, 2-3 మర్డర్ కేసులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ మర్డర్ కేసులన్నింటినీ మన బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే 3 మర్డర్ కేసులు ఉండడం జరిగింది. అండ్ అలాగే బంజారా హిల్స్లో 2 మనీ లాండెడ్ కేసెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడున్నటువంటి శ్రీనివాస్ సార్ కావచ్చు, ఉదయ్ సార్ కావచ్చు, లేకపోతే కేశరావు సార్ కావచ్చు, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా. वज़ीर आला KCR ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास, किसानों के राजियात को पानी सैराब किया जाए, वज़ीर आला ने दी हिदायत. मजलिस अराकीन असेंबली की जानिब से मुतालिका हलकों के इलाकों का पैदल दौरा जारी, आवाम से मुलाकात, देरी न मसाइल को हल करने अहदेदारों को किया मुतवज्जे. जारिया साल रच्चाकुंडा हदूद में साइबर जराइम की तेदाद में इजाफा, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब. फहश और उरैया रक्स पर मुबनी पार्टी पर पुलिस का धावा, 11 अफराद जेर हिरासत, केसरा पुलिस ने की कार्रवाई. नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ तो रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं. रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.